हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। सो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑयल शीट मास्क। सो ये शीट मास्क मैं कुछ दिन पहले मैं खरीदी, एक्चुअली काफ़ी दिन पहले, और मैं ये यूज़ भी कर चुकी। सो आई विल बी गिविंग यू माई फीडबैक एंड माई रिव्यू ऑन एक्चुअली दिस प्रोडक्ट, कि ये कैसे काम करता है, इफ़ इट इज़ गुड फॉर योर हेयर और नॉट, आपको ये परचेज करना चाहिए कि नहीं। आई विल गिव यू ऑल दोज डिटेल्स। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट what all I think about this particular product, then please keep on watching. Guys, so to start off, iske price ke bare mein baat kar lete hain. So this particular product retails for 399 rupees only. So mujhe lagta hai ki the price is pretty good, it's pretty reasonable for what it's giving us. Like it is a extraordinary oil sheet mask, actually steam mask. So you get a steam cap here, like aap jo product hai usko apply karne ke baad aap jo wo cap lagate ho na, वो आपके हेयर को स्टीम करते हैं। जैसे आप सलोन में जाने के बाद आप वो स्पा जब करने जाते हो, जैसे स्टीम होता है ना, तो आप ये जो कैप लगाते हो, दैट हैपेंस, इट स्टार्ट्स हीटिंग अप और वो स्टीम होता है, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन आई थिंक सो द प्राइस पॉइंट इज प्रिटी गुड, एंड आप किसी भी वेबसाइट से खरीदो आपको ये डिस्काउंट में हमेशा मिल जाएगा। सो बेसिकली यू डोंट इवन हैव टू पे 399 रुपीज। एंड अभी इसका प्राइस का बात कर लिए, लेट्स टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग। सो बेसिकली इट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ओके। ये जो यहाँ पे जो स्टेप वन दिख रहा है ना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट काफी रहता है यहाँ पे। जब मैं इसको अभी तो फिर भी आई गॉट अ हेयर कट, बट वेन आई यूज इट आई हैड प्रिटी लॉन्ग हेयर, तो मेरा पूरा हेयर कवर हो गया था अच्छे से। एंड ये जो सेकेंड पार्ट है ना, नीचे का जो स्टेप टू यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे वो कैप रहता है, जो स्टीम कैप है वो यहाँ पे रहता है। सो वंस यू आर डन अप्लाइंग द प्रोडक्ट, यू कैन जस्ट नीड टू पुट ऑन द कैप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग, एंड द पैकेजिंग इज प्रिटी गुड। लाइक यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से दिया हुआ है, लाइक यू वोंट बी कन्फ्यूज। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से सब लिखा हुआ है कि कैसे क्या करना है, हाउ टू यूज, सब कुछ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। सो या यूजिंग इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, कि उतना कन्फ्यूजिंग कुछ है नहीं। अभी बात करते हैं कि ये लोग क्लेम क्या करते हैं, ठीक। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट गिव्स योर सलोन लाइक नरिशमेंट इन 5 मिनट्स, transforms dry hair and frizzy hair from root to tip, leave hair soft, smooth and easy to manage. So I'll tell you कि मेरा experience कैसा था। So I did my shampoo, यहाँ पे जैसे instructions डाला हुआ है मैंने बिल्कुल वैसे ही follow किया। मैं अपना hair wash की, उसके बाद मैं ये product लगाई, I used the cap, I left it on for 5 minutes and then I washed it. So अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट लगाने के बाद जो कैप था ना, मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था वो कैप यूज़ करने में, बिकॉज ऑब्वियसली कि इट्स डूइंग समथिंग डिफरेंट, राइट। मैं कोई हीट यूज़ नहीं कर रही, जैसे टू अ स्टीमर, या मैं प्रॉपर कोई हीट नहीं यूज़ कर रही, मैं बस वो कैप अप्लाई कर रही हूँ एंड वो ऑटोमेटिकली हीट हो जा रहा है। वो होता है एक्चुअली, और अच्छा खासा हीट होता है। सो दैट फॉर दैट आई वॉज जस्ट अ लिटिल वरिड कि मेरा हेयर कहीं कुछ खराब ना हो, हेयर फॉल ना हो, या कुछ तो केमिकल्स है, आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ वेरी फ्रेंडली टू द हेयर। खैर जो भी, आई वॉज लिटिल वरीड अबाउट दैट, लेकिन फिर भी आई जस्ट वो द कैप एंड ऑब्वियसली इट हीटेड अप। और मेरा हेयर नेचुरली इट्स वेरी फ्रीजिंग, तो मैं कोलकाता साइड में रहती हूँ, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इट्स गेट लाइक मोर फ्रीजी, बहुत मैनेजेबल है नहीं मेरा हेयर। इट डिड हेल्प मी विद दैट। ये एक्चुअली तीन जो भी वो लोग पॉइंट्स क्लेम किए ना, लाइक सलोन लाइक नरिशमेंट इन 5 मिनट्स, ट्रांसफॉर्म ड्राई हेयर एंड फ्रिजी हेयर फ्रॉम रूट टू टिप, लीव हेयर सॉफ्ट स्मूथ एंड ईजी टू मैनेज, ये सब कुछ ये किया एक्चुअली मैंने, इट डिड वर्क फॉर मी। ये तीनों पॉइंट्स में मैं अग्री करूंगी कि येस इट डिड वर्कआउट फॉर मी। बट अदर देन दैट लाइक इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट तो मेरे पास लाइक एज सच में कुछ खराब इसके बारे में बोलने के लिए है नहीं। जस्ट वन थिंग, बिकॉज आई टोल्ड यू पहले भी थोड़े देर पहले कि यू नो इट्स नॉट समथिंग वेरी नेचुरल, मतलब आप कुछ हीट वैसा यूज़ नहीं कर रहे हो जिससे वो हीट फॉर्म हो, आप एक कैप लगा रहे हो एंड इट्स हीटिंग अप, समथिंग इज हैपनिंग, सम केमिकल थिंग, आई डोंट नो, नहीं पता एग्जैक्टली वो लोग कैसे ये चीज़ किए, समथिंग इज हैपनिंग विच इज़ वाई ये हीट हो रहा है, राइट। सो द थिंग इज आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ आपके हेयर के लिए बहुत हेल्दी है, या आपके हेयर को बहुत यू नो ग्रोथ में, या फॉर इट इज समथिंग दैट यू नीड टू यूज एवरी वीक। आई वोंट सजेस्ट यू टू यूज इट फॉर एवरी वीक। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं यू कैन यूज इट लाइक सपोज आप स्पा के लिए जाते हो, या यू हैव अ वेरी स्पेशल ओकेजन एंड यू डोंट हैव द टाइम टू गो फॉर अ स्पा और गो टू द सलोन, तब आप ये यूज कर सकते हो। दिस कैन बी अ सेकेंडरी थिंग, आप अपने पास रख सकते हो बैकअप सॉर्ट ऑफ, बट आई वोंट रिकमेंड यू टू यूज इट लाइक हाँ ठीक है आप मंथली एक बार यूज कर लिए ये वो, ऐसा कुछ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी।
सब मतलब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू एंड यू वॉन्ट टू लुक रियली गुड, तब आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो. ऐसे भी आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड, इट इज़ रियली गुड. बट आई डोंट नो कि ये आपके हेयर के लिए कितना अच्छा हो, ये आपके हेयर क्वालिटी को फॉर द टाइमिंग अच्छा करता ही है. बट आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, मैं अपना पॉइंट समझा पा रही हूँ कि नहीं ठीक से. बट या आई वुड कीप इट सपोज इफ आई हैव अ वेडिंग टू अटेंड फॉर लाइक 3-4 डेज, या कहीं मैं ट्रिप के लिए जा रही हूँ, सो ऑब्वियसली आई वोंट हैव प्लेसेस टू गो टू टेक केयर ऑफ माई हेयर, सलोन वॉलन तो रहेगा नहीं हमेशा. देन आई विल कैरी समथिंग लाइक दिस एंड आई वुड डेफिनेटली यूज इट उस टाइम पे. लेकिन अगर मैं घर पे हूँ, आई डोंट हैव एनी सच थिंग, आई वोंट यूज इट फॉर एज अ हेयर केयर प्रोडक्ट. मैं उसको वैसे यूज नहीं करूँगी कि हाँ ठीक है, हेयर केयर के लिए मैं पर्टिकुलरली ये रिकमेंड नहीं करूँगी. आई जस्ट होप कि मैं अपना पॉइंट ठीक से आपको समझा पाई. एंड या गाइज, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं, बस हेड वॉश करना है शैम्पू से, उसके बाद यू जस्ट यूज़ इट. कंडीशनर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल कंडीशन योर हेयर प्रिटी गुड. एंड या देन यू आर डन, आपका हेयर लाइक यू विल एंड अप विथ रियली गुड हेयर, सॉफ्ट शाइनी हेयर. आई लव्ड इट एंड आई एम रियली इंटरेस्ट. इसका और भी रेंज लाइक शैम्पू एंड कंडीशनर का पूरा रेंज निकला, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दैट टू. बट या देर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड या दैट इज इट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स. अगर कुछ भी सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना. एंड यू विल सी मी नेक्स्ट टाइम ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.